दोस्तों, तो वी आर हियर टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। इट ऑक्यूपाइज ए प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का। जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। आर्टिकल 79-122 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिस ऑफ, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर्स एंड सो ऑन। पार्लियामेंट जो कि इसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ स्टेट हाउस ऑफ पीपल 1954 में हिंदी नेम जो राज्यसभा एंड लोकसभा अडॉप्ट किया गया, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। राज्यसभा अपर हाउस है, सेकंड चैम्बर है, हाउस ऑफ एल्डर्स एंड लोकसभा लोअर हाउस है। फॉर्मर रिप्रेजेंट करता है स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडियन यूनियन, वाइल जो लेटर रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर नहीं होता है एदर हाउस ऑफ नाई पार्लियामेंट का, डज नॉट सिट, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे टू अटेंड मीटिंग एंड ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। बल्कि जो भी बिल पास किया जाता है दोनों हाउसेस से कैन नॉट बिकम, वो लॉ नहीं बन सकता प्रेसिडेंट के एसेस के एसेंट के बिना। उनको कुछ परफॉर्म करने रहते हैं फंक्शंस प्रोसीडिंग पार्लियामेंट के, और संबंध करेंगे प्रोडक्ट बोर्ड हाउस, डिजॉल्व करेंगे लोकसभा, एड्रेस करेंगे बोथ हाउसेज एंड इश्यूज ऑर्डिनेंस। जो फ्रेमर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलाई किया ब्रिटिश पैटर्न रेडर देन अमेरिकन, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन, किंग और क्वीन, द हाउसेज ऑफ लॉर्ड एक हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस। बाय कॉन्ट्रास्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते लेजिस्लेचर के, और यूएस में जो लेजिस्लेचर उसको कांग्रेस बोला जाता है, कंसिस्ट ऑफ सीनेट अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, उसमें से 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा 245 मेंबर्स रहते हैं, 229 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट, 4 मेंबर रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। फोर्थ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का डील विद एलोकेशन जो सीट्स है राज्यसभा की टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के। तो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट राज्यसभा में इलेक्ट करते इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो इलेक्शन अकॉर्डेंस सिस्टम वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। फिर ईच स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी कैसा है कि आज यूटी में राज्यसभा इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कोराज, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किस लिए, कुछ पर्पस के लिए होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल हो, पर पर्सन सिंगल वन हेड काउंट होगा। 9 यूनियन टेरिटरी ओनली 3 जो कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू, उनके पास रिप्रेजेंटेशन जम्मू एंड राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर का। नॉमिनेटेड मेंबर तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर राज्यसभा से, जिनको नॉलेज होगा दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। जो कि प्रिंसिपल नॉमिनेशन इस टू प्रोवाइड करेंगे एमिनेंट पर्सन प्लेस है जो भी राज्यसभा में है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जो इलेक्शन है। शुड बी नोटेड हियर दैट जो अमेरिकन सीनेट हैज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर। लोकसभा का कंपोजिशन क्या है, लोकसभा 552 मेंबर्स होंगे, 530 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट के, 20 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी एंड 2 होंगे नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। अब उसमें 545 मेंबर एडीआई, 530 स्टेट से एंड 13 फ्रॉम यूटी। 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट तो डायरेक्टली इलेक्ट होते स्टेट से, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो 18 ईयर से जो अबव होंगे वो वोट, और जो वोटिंग एज 21 से 18 ईयर डिक्रीज हुई है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। यूटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रिस्क्राइब करते चूजिंग जो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी, लोकसभा पार्लियामेंट इनेक्ट करता है यूटी एक्ट। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एडिक्वेट प्रेजेंट नहीं हो क्योंकि प्रेजेंटली नहीं है। ओरिजिनली जो प्रोविजन है ऑपरेट करते 1960 पर एक्सटेंड कर दिया 2020 बाय 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009। जो सिलेक्शन है इलेक्शन का कैसे होगा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो ईच स्टेट से अलॉट किए जाएंगे नंबर ऑफ सीट लोकसभा के लिए, उसमें रेशियो रहेगा मैडम नंबर जो पॉपुलेशन सेम ऑफ द ऑल स्टेट। जो भी प्रोविजन डज नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं होता स्टेट हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन, जो कि हर स्टेट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर डिवाइड रहेगा। रेशियो बिटवीन जो पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर ऑफ सीट्स अलॉट किया जाएगा सेम थ्रू आउट द स्टेट, जो कि ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ए बिटवीन द डिफरेंट स्टेट बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रीएडजस्टमेंट सेंसस की बात, तो हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होता है जो सीट्स होती है लोकसभा की, डिवीजन ऑफ जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्लियामेंट्री एम्पावर किया जाता है कि डिटरमाइन करेंगे अथॉरिटी मैनर इन विच जिसमें बनाया जाएगा। पार्लियामेंट इनेक्ट करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1962, 1972 एंड 2002। 42
अमेंडमेंट एक्ट 1976 फ्रोज करेंगे एलोकेशन ऑफ सीट लोकसभा में और जो भी डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टाइटल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल 2000 कस्ट एट द 1971 लेवल। इसको बैन लगा दिया, रीएडजस्टमेंट एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर 25 ईयर्स अप टू ईयर 2026 कस्ट एक्ट से बाय 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001। ऑब्जेक्टिव है क्या है, एनकरेज करना पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर। 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि अंडरटेक करे जो भी एडजस्टमेंट है रेशनलाइजेशन टाइटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किस बेस पे, जो पॉपुलेशन फिगर 1991। बाद में क्या हुआ दोस्तों, 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 है तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी किस बेस पे, 2001 सेंसस 1991 के हिसाब से नहीं। दिस कैन बी डन बिना अल्टर किए हुए नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा। जो भी रिजर्वेशन है सीट्स फॉर एसटीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशन अबंडन करता है सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट किसके लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप लोकसभा में पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से। जो भी रिजर्वेशन ऑपरेट होंगे 10 ईयर्स तक, अप टू 1960 की बात की गई लेकिन फिर एक्सटेंड कर दिया 10 ईयर अप टू 1905 अमेंडमेंट एक्ट 2009, उसमें भी रिजर्वेशन बोला कि 2020 तक रहेगा। जो सीट्स रिजर्व की जाती है शेड्यूल का शेड्यूल टाइप टू पूर्वी वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी सेपरेट इलेक्ट्रेट। 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 में रीफिक्स किया जाएगा रिजर्व सीट जो कि बेसिस अ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991। 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइड करेंगे रीफिक्स करना रिजर्व सीट किस बेस पे, 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इसको कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में जो कि प्रेफर नहीं किया है लोकसभा में। ये जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट द पोस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर द लोकसभा। राज्यसभा के ड्यूरेशन कैसा होता है, पहला तो 1952 में बना परमानेंट बॉडी है ना ही सब्जेक्टेड डिसॉल्यूशन का, 1/3 जो मेंबर है रिटायर होते हर सेकंड ईयर। फ्रेश इलेक्शंस सीट्स के से फिर होती फ्रेश इलेक्शन और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एवरी 3rd ईयर। जो भी रिटायरिंग मेंबर होते हैं री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन नंबर ऑफ टाइम्स अलाउ है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया कि इनका टर्म क्या रहेगा कितना रहेगा, डिसाइड नहीं है। लेफ्ट किस पे, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया। RPA एक्ट 1951 प्रोवाइड करता है जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर की राज्यसभा 6 ईयर्स तक रहेगा और एक्ट एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, इतनी ताकत देता है पावर देता है कि मेंबर जो भी चूज होंगे फर्स्ट राज्यसभा से फर्स्ट बैच डिसाइड करेंगे बाय लॉटरी हु टू शुड रिटायर, लॉटरी बेसिस पे रिटायर करते हैं। एंड ऑल्सो ऑटोराइज प्रेसिडेंट प्रोविजन बनाता है टू गवर्न ऑर्डर टू रिटायरमेंट। ड्यूरेशन क्या होगा लोकसभा का, जैसे राज्यसभा लोकसभा तो कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, नॉर्मल टर्म उनका 5 ईयर है। फ्रॉम डेट ऑफ जो भी फर्स्ट मीटिंग है जनरल इलेक्शन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, प्रेसिडेंट ऑटोराइज करेंगे डिसॉल्व करना लोकसभा किसी भी टाइम जब जैसे ही 5 ईयर का कंप्लीशन हो जाए और इसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। जो भी लोकसभा इसको एक्सटेंड करेंगे पीरियड ऑफ नेशनल एमरजेंसी लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट, अब क्या बोला है लेंथ ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब बोला एक्सटेंशन कैन नॉट बियर जो 6 मंथ से ज़्यादा एमरजेंसी के बाद सीज टू ऑपरेट सीज कर लिया जाएगा जो कि मेंबरशिप है पार्लियामेंट की। उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, एक तो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, वो ओथ एंड अफर्मेशन लेना चाहिए उनके इलेक्शन कमीशन इस परपज के लिए। ओथ क्या लेंगे कि फेथ एंड एलिगेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, उसको फेथ विश्वास है उनको, अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और हाँ 30 ईयर्स एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए राज्यसभा में एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज ऑफ लोकसभा, ठीक है। मस्ट पजे जो भी अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो भी फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन का रजिस्टर करेंगे इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द केस ऑफ बोथ। अब क्या बोले, राज्यसभा और लोकसभा जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट की कंटेस्ट करने के इलेक्शन, राज्यसभा पर्टिकुलरली स्टेट से इलेक्टर होंगे। इन 2006 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द चेंज। जो भी मेंबर है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यूनियन टेरिटरी के, इफ यू वांट वो कंटेस्ट करना चाहते हैं तो सीट रिजर्व होगी। However, जो भी मेंबर है शेड्यूल का शेड्यूल टाइप कैन आल्सो कंटेस्ट कर सकते हैं नॉट रिजर्व फॉर्डम, उस पर भी कर सकते हो जो रिजर्व नहीं है सीट। डिस्क्वालिफिकेशन तो हमारे संविधान में बाहर पर्सन को डिस्क्वालीफाई कैसे किया गया है भारतीय संविधान में, इफ़ यू होल्ड अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट या तो या फिर अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ना ही वो सिटीजन इंडिया का वॉलेंटियर जो उसने एक्वायर कर दिया जो सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की एक्नॉलेज एलिजेंस फॉरेन स्टेट और डिस्क्वालीफाई कर दिया कोई भी लॉ के द्वारा पार्लियामेंट से,
पार्लियामेंट ने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन आरपी एक्ट 1951 में रखा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आरपीए का नहीं आएगा, पर इसमें से उठा के बोल देगा इट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन और दिस, तो पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो तो आरपीए में है। जैसे कि अगर उनको गिल्टी फाइल किया इलेक्शन ऑफेंसेज या करप्ट प्रैक्टिस में, ऑफेंस रिजल्ट इम्प्रिजनमेंट है 2 ईयर्स या 2 साल से ज़्यादा का, लॉज टू अकाउंट क्या इलेक्शन एक्सपेंसिस विद इन दैम, और जो भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड सर्विस मस्ट नॉट डायरेक्टर मैनेज एजेंट नहीं होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एटलीस्ट 25% शेयर, एंड मस्ट नॉट डिसमिस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस करप्शन डिसलॉयल्टी के लिए, एंड कन्विक फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन जो डिफरेंट ग्रुप्स है ऑफिस ऑफ ब्राइबरी, ही मस्ट नॉट पनिश नहीं होनी चाहिए फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम नहीं कर रहा हो, अनटचेबिलिटी डोरी सटी है सर, डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो अगर वो वॉलेंट्री गिवअप करे अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी जिसमें टिकट के लिए इलेक्ट हुआ है, या फिर वोट या अब्सटेन करे वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो गिवन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, इफ एनी इंडिपेंडेंटली जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है ज्वाइन करे पॉलिटिकल पार्टी, इफ एनी नॉमिनेटेड जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम शेड्यूल में दिया है जो कि डिसाइड करते हैं चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है तो नहीं। फिर है इन 1992 सुप्रीम कोर्ट रूल करेगा डिसीजन ऑफ चेयरमैन स्पीकर रिगार्ड टू दिस जुडिशियल रिव्यू। वैकेटिंग ऑफ सीट्स की बात तो डबल मेंबरशिप हो तो वैकेट करना पड़ेगा, अगर पर्सन इलेक्ट हो जाए दोनों में तो उसको 10 डेज के अंदर डिजायर जिसमें भी उसको सर्व करना और डिस्ट्रिक्ट को वैकेट करना पड़ेगा। फिर क्या दिया है सिटिंग मेंबर जो वन हाउस का इलेक्ट हो गया दूसरे में सीट फर्स्ट हाउस में वैकेंट हो जाएगी, पर्सन इलेक्ट किया जाए 2 सीट में तो अपने ऑप्शन के हिसाब से एक चूज कर सकता है, बोथ सीट बिकम वैकेंट ना, तो ही शुड एक्सरसाइज इज ऑप्शन फॉर वन, अदरवाइज दोनों खाली करनी पड़ेगी। डिस्क्वालिफिकेशन दिया अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। जो लिस्ट है डिस्क्वालिफिकेशन की जैसे रिजाइग्नेशन अगर वो रिजाइन करेंगे सीटिंग में अगर लिख के उन्हें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दे दिया स्पीकर ऑफ लोकसभा को, तो एबसेंस अगर वो एबसेंट है हाउस में डिक्लेयर कर दिया जो सीट मेंबर वैकेंट है 60 डेज से एबसेंट है वो नो अकाउंट कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो अदर केसेस बाकी क्या अगर उसको वॉइड कर दिया डिक्लेयर एक्सपेल कर दिया हाउस से निकाल दिया है या फिर इलेक्ट हो गए ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, अगर अपॉइंट हो गए गवर्नर ऑफ ऑफिस में डिस्क्वालीफाइड जो पर्सन इलेक्ट किया जाएगा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया है डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन वॉइड। ये जो मैटर है डेल्ट कौन करता है आरपी एक्ट 1951 इनेबल करता है हाई कोर्ट को कि डिक्लेयर करे इलेक्शन वॉइड और एग्रीव पार्टी कैन अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जो भी ऑर्डर है हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड ओट एंड अफर्मेशन की बात। तो हर मेंबर जो एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग सीट लेने से पहले हैज़ टू मेक सब्सक्राइब करना होगा टू एन ओट और अफर्मेशन बिफोर जो भी प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय फॉर इज वोट एंड इज मेंबर अपेयर। अब क्या बोला है कि बी एफ ट्रू एंड फेट एलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अपहोल्ड करेगा सोवरेनिटी इंटीग्रिटी फेटफुली डिस्चार्ज करेगा अपना ड्यूटी अनलेस जब भी मेंबर होगा वोट लेगा ही कैन नॉट वो वोट नहीं कर सकते पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो भी प्रोसीडिंग हो डज नॉट बिकम एलिजिबल नहीं हो सकते पार्लियामेंट प्रिविलेज जो भी पर्सन है पेनाल्टी 500 एक दिन के हिसाब से देनी पड़ेगी ही सिट्स वोट एज मेंबर एंड बिफोर टेकिंग सब्सक्राइब करने से पहले वोट एंड वैन ही नो जब वो पता है कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड क्वालिफाई नहीं है डिस्क्वालीफाइड फॉर इस मेंबरशिप वैन ही नो डैट ये भी पता है कि वो प्रोहिबिट है फ्रॉम सिटिंग ऑफ वोटिंग और हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लो जो भी सैलरी एंड अलाउंसेज है तो मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट सैलरी और अलाउंस कैसे करते पार्लियामेंट डिसाइड करता है कोई भी प्रोविजन पेंशन नहीं दिया गया है पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड पेंशन टू द मेंबर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर पार्लियामेंट के कैसे होते तो हर हाउस के जो पार्लियामेंट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते स्पीकर या डिप्टी स्पीकर लोकसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन कहलाते राज्यसभा के जो भी पैनल है चेयरपर्सन फॉर द लोकसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर द राज्यसभा आल्सो अपॉइंटेड जो कि स्पीकर है लोकसभा का इलेक्शन टेन्योर टू स्पीकर इलेक्ट होगा लोकसभा फ्रॉम अमंग्स मेंबर्स एज सून एज जो भी फर्स्ट सीटिंग वैन एवर ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल वैकेंट और लोकसभा इलेक्ट करते अनदर मेंबर टू फिल वैकेंसी जो भी डेट है इलेक्शन ऑफ स्पीकर फिक्स बाय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फिक्स करते जैसे ही स्पीकर ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा तो जो भी उसको वैकेट करनी पड़ेगी ऑफिस अर्लियर इज फॉलोइंग 3 केसेस एक तो उसको मेंबर लोकसभा का जिसको सीज करना पड़ेगा रिजाइन करना पड़ेगा राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर रिमूव किया जाएगा रिजोल्यूशन जो कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से पास हो लोकसभा में और जो रिजोल्यूशन है 14 डे एडवांस नोटिस होगा जब भी रिजोल्यूशन रिमूवल होगा स्पीकर को कंसिडरेशन होगा तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता सिटिंग हाउस की दो पर वो प्रेजेंट रह सकता है ही कैन स्पीक वो पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग में एंड वोट कर सकता है दो नॉट इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वोट्स के टाइम पर नहीं कर सकता जब भी लोकसभा डिजॉल्व
सर्व होता है तो स्पीकर वैकेट नहीं करता अपना ऑफिस, कंटिन्यू करता है जब तक न्यू लोकसभा मीटिंग हो जाए। रोल पावर फंक्शन क्या है, तो स्पीकर हेड होता है लोकसभा का, जो रिप्रेजेंटेटिव है गार्जियन होता है। पावर एंड प्रिवलेजेस ऑफ द मेंबर जो भी हाउस होल एंड कमेटी, प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है हाउस का एंड डिसीजन इन द पार्लियामेंट मैटर इज फाइनल ही डज नॉट, जो भी मेयरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है लोकसभा इन ऑल कैपेसिटी तो वेस्टेड वास्ट वैरिड एंड वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई डिग्निटी सुप्रीम अथॉरिटी, जो भी स्पीकर है लोकसभा डेराइव करते अपने पावर एंड ड्यूटी कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, रूल एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, मेंटेन करना ऑर्डर डेकोरम इन द हाउस ऑफ कंडक्टिंग जो भी बिजनेस रेगुलेटिंग एक्टिविटीज है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस, एडजर्न करना हाउस, सस्पेंड करना मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम, कोरम जो कॉन्स्टिट्यूट हो मीटिंग एंड टू हेल्ड 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, डज नॉट वोट नहीं करता वो फर्स्ट इंस्टेंस है बट वो एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट टाई के टाइम पे एंड स्पीकर एंटाइटल करता है वोट, उस वोट को बोलते हैं रिजॉल्वर डायलॉग, जो भी प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सीटिंग दोनों हाउसेस पार्लियामेंट की, वो सीटिंग क्या होती है सम्मान करते हैं प्रेसिडेंट टू सेटल जो भी डेडलॉक है बिटवीन टू हाउसेज ऑन अ बिल, ही कैन अलाउ सीक्रेट सीटिंग को अलाउ कर सकता है लीडर ऑफ द हाउस व्हेन द हाउस सिट्स इन द सीक्रेट, स्ट्रेंजर कैन प्रेजेंट एंड चैम्बर लॉबी ऑन द गैलरीज एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द स्पीकर, डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन उसका फाइनल होता है व्हेन द मनी बिल, जब मनी बिल ट्रांसफर राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर एसेंट, जो स्पीकर है एंडोर्स करते हैं ऑन द बिल इज सर्टिफिकेट देन इट्स मनी बिल, डिसाइड करते जो भी क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे करना है मेंबर ऑफ लोकसभा का, जो भी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है 10th शेड्यूल में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो डिसीजन है स्पीकर का इसमें सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू। ये एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप का, जो लिंक रहेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड में, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री, अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी टू द लोकसभा एंड सुपरवाइज करेगा फंक्शनिंग, चेयरमैन होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी, जेंडर पर्पज कमेटी, इंडिपेंडेंस एंड पार्शियलिटी की बात तो हाँ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड होता है, कभी भी रिमूव आ सकते बाय रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डिनरी नहीं, ये जो मोशन है रिमूवल का कैन बी कंसीडर डिस्कस होगा ओनली व्हेन ही सपोर्ट एटलीस्ट 50 members, सैलरीज एंड अलाउंस फिक्स करेंगे पार्लियामेंट जो कि चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट सब्जेक्ट ऑफ एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, जो भी वर्क एंड कंडक्ट है कैन नॉट बी डिस्कस नहीं किया जाता, क्रिटिसाइज ऑन लोकसभा एक्सेप्ट सब्सटेंशियल मोशन, जो भी पावर है रेगुलेटिंग करने का प्रोसीजर कंडक्ट करना बिजनेस मेंटेनिंग ऑर्डर हाउसेज आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट का, वोट में वोट नहीं कर सकते वो फर्स्ट इंस्टेंस में सिर्फ कास्ट कर सकते वोट टाई के टाइम पे, स्पीकर इम्पार्शियल होता है कैसे क्योंकि वर्ड हाई पोजीशन प्रेसिडेंस रहता है 7th रैंक रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि हायर रैंक पे है देन ऑल जो कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा का होता है तो डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होता है लोकसभा से खुद अमंग्स इस मेंबर इलेक्ट होता है, जो भी इलेक्शन ऑफ स्पीकर टेक्स प्लेस एंड जो क्या बोला गया था डेट है जो इलेक्शन की डिप्टी स्पीकर फिक्स किया जाता है स्पीकर के थ्रू, जब भी ऑफिस स्पीकर का खाली हो जाता है वैकेंट होता है तो लोकसभा इलेक्ट करती है दूसरी मेंबर टू फिल द वैकेंसी। अब इसमें क्या दिया कि वैकेट करने के लिए तो एक तो दिया इफ़ ही सीजेस टू द मेंबर ऑफ लोकसभा अगर वो रिजाइन करता है बाय राइटिंग टू द स्पीकर एंड इफ ही रिमूव किया जाता है रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी और जो भी रेजोल्यूशन है 14 डेज का नोटिस पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा तो इसके अंदर क्या दिया कि एनी ऑफ देम प्रिसाइड कर सकता है अगर एब्सेंस है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसके पास सेम पावर होगी प्रिसाइडिंग की होल ऑफिस जब तक न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं हो जाता है, तो जो भी मेंबर है पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं होता ऑन द अदर पर्सन स्पोक अप प्रो टेम बताया प्रो टेम स्पीकर क्या है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में दिया है जो स्पीकर है ऑफ लास्ट लोकसभा वैकेट करते हैं ऑफिस इमीजिएटली बिफोर इस फर्स्ट मीटिंग जो कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, तो जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मेंबर ऑफ लोकसभा कैसे स्पीकर प्रो टर्म यूजली वो सीनियर मेंबर होता है सिलेक्टेड फॉर द जो भी प्रेसिडेंट सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं ओट टू स्पीकर टू प्रोटेम, जो भी चेयरमैन है राज्यसभा का उसको क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करते हैं अपने फंक्शन प्रेसिडेंट जो भी करते हैं परफॉर्म नहीं करते ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिमूव किया जा सकता है ओनली इफ यू भी रिमूव जब भी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होंगे जो भी प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके
पास पावर एंड फंक्शंस होती है चेयरमैन राज्यसभा एंड सिमिलर टू डोज ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। जो भी स्पीकर उसके पास स्पेशल पावर्स होती है जो कि चेयरमैन जो है नहीं करता। स्पीकर डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है, उनका क्वेश्चन फाइनल रहता है। स्पीकर प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट मीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा इट्सल जो ऑब्वियसली मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जब भी वैकेंसी, तो पहले तो मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के। रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग द चेयरमैन एंड रिमूव करेंगे बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ दैट एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। 14 डे का नोटिस। पैनल है वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा, तो इसमें रूल्स है जो राज्यसभा, तो चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं अमंग द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, और जो भी इसमें दिया है वो प्रिसाइड किया जाएगा डिप्टी चेयरमैन, उनके पास सेम पावर होगी प्रिसाइड करने की एंड ही होल्ड ऑफिस न्यू पैनल जब तक वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं हो जाते। तो चेयरमैन किसमें एम्फेसिस करेंगे, जो भी मेंबर है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन और कैन नॉट प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड ड्यूरिंग सच इस टाइम पे जो चेयरमैन की ड्यूटीज़ है आर टू बी परफॉर्म कौन करेगा, कुछ मेंबर ऑफ हाउस एंड प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पज। जो भी इलेक्शन है हेल्ड एज सून एज पॉसिबल टू फिल द वैकेंट पीरियड। सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट, तो हर हाउस जो पार्लियामेंट का तो सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ होता है। पोस्ट कॉमन टू बोथ जो हाउसेज है। रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन रेगुलेट करेगा पार्लियामेंट। जो भी सेक्रेटरी उनको हेड करेंगे सेक्रेटरी जनरल, परमानेंट ऑफिसर होता है अपॉइंट किया जाता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लोकसभा लीडर ऑफ द हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर, वो मेंबर होते हैं लोकसभा के एंड लोकसभा नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनका फंक्शन है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस एंड राज्यसभा ही इज द मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड मेंबर होते हैं राज्यसभा। नॉमिनेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन। एंड जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं या तो वो हाउस होते इंपॉर्टेंट फंक्शन ही एक्सरसाइज करते डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एज कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ही कैन नॉमिनेट। नॉमिनेट करते डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस एंड सेम फंक्शन यूएसए में इज नोन एज मेजॉरिटी लीडर। जो लीडर है अपोजिशन का इन ईच हाउस, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन सा होता है, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जिसके पास लेस देन 110 सीट होती टोटल स्ट्रेंथ में, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात किया जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन दिया गया है तो सिग्निफिकेंट रोल है। उनका मेन फंक्शन है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट को और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करना। सेम फंक्शन यूएसए को माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं। विप का मतलब क्या होता है, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेंशन है रूल ऑफ हाउस एंड पार्लियामेंट्री। जो ऑफिस है विप इज मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ऑफ इंडिया, नॉट अ रूल्स ऑफ, क्या बोला गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही रूल ऑफ हाउस में ना ही पार्लियामेंट स्टैट्यूट, किस पे कन्वेंशन है पार्लियामेंट गवर्नमेंट का। वेदर रूलिंग, जो भी अपोजिशन है उसका खुद का विप होता है पार्लियामेंट में, जो भी अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू के असिस्टेंट है फ्लोर लीडर, उसको हेल्प करे फ्लोर लीडर, रेगुलेट करता है मॉनिटर बिहेवियर करता है पार्लियामेंट का। जो भी सपोज टू फॉलो डायरेक्टिव सम्मनिंग करना मतलब प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम सम्मन करते हैं हर हाउस को कि कब मीट करना है पार्लियामेंट टू मीट एंड पार्लियामेंट। ये जो गैप है मोर देन 6 मंथ नहीं हो सकता, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के मतलब जो टाइम है फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड प्रोरोगेशन मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ द केस ऑफ लोकसभा। तो ड्यूरिंग अ सेशन, ड्यूरिंग अ सेशन में क्या दिया गया है, द हाउस मीट एवरी डे ट्रांजैक्ट कर रहे बिजनेस को, पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन हाउस एंड रीअसेंबल करना न्यू सेशन रिसेस। एंड जर्नमेंट क्या होता है, सेशनमेंट होता है पार्लियामेंट का ऑफ मैनी मीटिंग, ईच मीटिंग जो होता है अ डे कंसिस्ट ऑफ टू सिटिंग जिसमें मॉर्निंग सिटिंग होती है 11 to 1, पोस्ट लंच सिटिंग 2 to 6 एंड जिस सिटिंग होती है पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट से नहीं मतलब डाई ऑफ प्रोरोगेशन एंड डिसॉल्यूशन। जो भी वर्क इन द सिटिंग पर स्पेसिफाइड आज डेज या वीक होता है एडजर्नमेंट से नहीं, डाई क्या होता है इसका मतलब टर्मिनेट करना सिटिंग और पार्लियामेंट इनडेफिनेट टाइम के, इसका कुछ पता नहीं कि कब होगी दोबारा। व्हेन द हाउस एडजर्न किया जाता है, नाम भी नहीं दिया जाता उसका, एडजर्नमेंट से नहीं बोला जाता है। एंड द पावर ऑफ एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट से नहीं लाइज किसके पास रहता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास, वो सिटिंग होते ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम विच हैज बीन प्रोरोगेशन के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं एडजर्नमेंट से नहीं दे। व्हेन द बिजनेस ऑफ सेशन कंप्लीट नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या बोला है, प्रेसिडेंट इशू करेगा नोटिफिकेशन प्रोरोगेशन फॉर द सेशन, जो भी प्रेसिडेंट आल्सो प्रोड्यूस द हाउस वाइल इन सेशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो वो सब्जेक्ट नहीं रिजोल्यूशन का, लेकिन लोकसभा तो रिजोल्यूशन का सब्जेक्ट है ना दोस्तों। तो रिजोल्यूशन एंड्स वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, तो रिजोल्यूशन ऑफ हाउस कैसे होता है, टू वेज में, एक ऑटोमेटिक जब उनका टेन्योर खत्म हो जाए, 5 ईयर का टर्म हो जाए या फिर
नेशनल एमरजेंसी, दूसरा व्हेन द प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि अब इसको डिसॉल्व कर देना है, ये ऑथोराइज टू वन द लोकसभा, एक बार डिसॉल्व हो गया बिफोर कंप्लीशन नॉर्मल टर्म तो डिसॉल्यूशन इरिवोकेबल हो जाता है। तो लोकसभा डिसॉल्व होता है तो पूरे बिजनेस इंक्लूडिंग बिल मोशन रेजोल्यूशंस नोटिस स्पीच पिटिशंस जो भी पेंडिंग है वो लैप्स हो जाती है एंड री इंट्रोड्यूस करना पड़ता है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा में। तो जो भी पेंडिंग बिल्स एश्योरेंस बाय कमेटी गवर्नमेंट एश्योरेंस होते डज नॉट लैप्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, जो भी बिल पेंडिंग होते लोकसभा में लेकिन ओरिजिनेट किया है लोकसभा एंड ट्रांसमिट कर दिया तो राज्यसभा, बिल जो भी लोकसभा ने पास कर दिया पर पेंडिंग है राज्यसभा में तो लैप्स हो जाता है। बिल जो भी पास कर दिया दोनों हाउस ने पर डिसएग्रीमेंट हुआ एंड प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया कि ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए लोकसभा के सामने डिसोल्यूशन के पहले तो लैप्स नहीं होगा। बिल जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है बट नॉट पास लोकसभा ने पास नहीं किया तो नॉट लैप्स। अब बिल पास बाय जो हाउसेज के थ्रू पास कर दिया पर पेंडिंग एसेंट है प्रेसिडेंट की वो लैप्स नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंट अभी बताएंगे। अब बिल पास बाय दोनों हाउस से पास किया बट रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट को कि रिकंसिडरेशन करना है वो भी लैप्स नहीं होता। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है जो भी हाउस में ट्रांजैक्ट करने के लिए बिजनेस एंड एटलीस्ट 55 मेंबर्स होते हैं 25 मेंबर्स प्रेजेंट इन राज्यसभा कंडक्ट किए जाते हैं ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग एडजर्न। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि हिंदी एंड इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है ट्रांजैक्ट करने के लिए बिजनेस इन पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिट करेंगे मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन मदर टंग, जो भी इंग्लिश है डिसकंटिन्यू कर दी, फ्लोर लैंग्वेज जब एक्सपीरेशन हुआ 15 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का 1965 ऑफिशियल एक्ट 1963 में अलाउ किया कि इंग्लिश को कंटिन्यू करें टू अलॉन्ग विथ हिंदी। लेम डक सेशन क्या होता है, लोकसभा का जिसमें लोकसभा इलेक्ट होते हैं दोज मेंबर्स एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट रीलेक्ट, जो रीलेक्ट नहीं हो सकते न्यू लोकसभा में उनको लेम डक्स कहते हैं। जो भी डिवाइसेज है क्वेश्चन आज तो फर्स्ट आज होता है पार्लियामेंट सिटिंग का जिसमें स्लॉट किया जाता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो थ्री टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट आंसर शॉर्ट। स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो ओरल आंसर होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अनस्टार्ट मतलब रिटर्न आंसर होते हैं उनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सॉरी स्टार्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं और स्टार्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एंड शॉर्ट नोटिस क्या होते हैं कि आपको नोटिस देना होगा ऑफ लेस देन 10 डेज और आंसर ओरली होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया, जीरो आर क्या होता है, तो जीरो आर मेंशन नहीं दिया है रूल ऑफ प्रोसीजर में, इनफॉर्मल डिवाइस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी मैटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन लास्ट एजेंडा ऑफ अ डे, इन द अदरवर्स देखा जाए तो गैप बिटवीन जो क्वेश्चन आ रहा है एजेंडा इन नोन एंड जीरो आर, इंडियन इनोवेशन दिया गया फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बीन एग्जिस्ट 1962। मोशन क्या है, डिस्कस नहीं करना जो भी मैटर, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर, जब भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर डिस्कस नहीं करेंगे ऑन द मोशन विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इसमें क्या दिया है, सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है, जो सेल्फ कंटेंड इंडिपेंडेंट होता है प्रपोजल, जो भी मैटर जैसे इम्पीचमेंट हो प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सब्सटीट्यूट मोशन क्या होता है कि जब हमें सब्सटीट्यूट करना ओरिजिनल मोशन से अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना सुपरसीड करना है। सब्सिडरी मोशन क्या होता है कि इस सेल्फ नो मीनिंग, उसका खुद का कोई मतलब नहीं होता है, कैन नॉट स्टेट, कोई डिसीजन नहीं होता हाउस का विदाउट रिफरल लेना पड़ेगा ओरिजिनल मोशन से और प्रोसीडिंग ऑफ हाउस डिवाइडेंट टू थ्री कैंड। एंसिलरी मोशन क्या होता है, रेगुलर वे होता है प्रोसीडिंग का, वेयर्स काइंड ऑफ बिजनेस। सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है, जो कि कोर्ट ऑफ डिबेट में होता है अनदर इशू एंड सुपरसीड द इशू। अमेंडमेंट क्या होता है, मॉडिफाई करना सब्सटीट्यूट करना एनी पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन। आपको क्लोजर मोशन क्या होता है, जो भी मेंबर कट शॉर्ट करना डिबेट को। सिंपल क्लोजर मतलब क्या होता है, मूव करना मैटर में सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया कि हो गया सिंपल। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, क्लॉजेज ऑफ जो बिल होते लैंडी रिजोल्यूशंस होते ग्रुप इनटू पार्ट्स, जो भी कमेंसमेंट होते डिबेट के डिबेट कवर द पार्ट एंड होल एंटायर पार्ट इज टू वोट। कंगारू क्लोजर क्या होता है, इसमें दिया होता है ओनली टाइप ऑफ क्लॉजेज जो भी स्किप करके अपन आगे। गुलेटिन क्लोजर क्या होता है, जो कि अनडिस्कस्ड है जो रिजोल्यूशन में पुट टू वोट एंड ड्यू टू डिस्कशन इज ओवर। प्रिविलेज मोशन मतलब होता है ब्रीच होता है पार्लियामेंट प्रिविलेज का, जो भी मिनिस्टर्स के थ्रू होता है, इसका मतलब मिनिस्टर को लगता है कि हाँ ब्रीच किया प्रिविलेज हाउस एंड वन और मोर। रिकॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, पार्लियामेंट में मेंबर टू कॉल द अटेंशन मिनिस्टर को बुलाना, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, ऑथोरेटिव स्टेटमेंट होता है उस मैटर के लिए। जैसे कि जीरो आर होता है इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट प्रोसीजर का 1954 में, लाइक जीरो आर। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में अटेंशन लाना हाउस का डेफिनेट मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट करना चाहिए 50 मेंबर्स एडमिटेड करना चाहिए नॉर्मल बिजनेस ऑफ अ हाउस में। डिस्कशन एडजर्नमेंट मोशन नॉट लेस देन 2 आवर्स या 30 मिनट्स। राइट टू मूव टू मोशन का क्या है कि मैटर क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए फैक्चुअल होना चाहिए अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट, शुड नॉट कवर एक से दूसरा मैटर, नहीं होना चाहिए कि बुला लिया और दूसरे मैटर डिस्कस किए, एक मैटर ही होना चाहिए। शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर, जो काम है वो रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज एंड रिवाइव, शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन को रिवाइव नहीं करना डिस्कशन सेम सेशन, शुड नॉट डील नहीं करना द एडजुडिकेशन बाय कोर्ट एंड इट शुड
नॉट रेज, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए एंड रेज अ डिस्टिंक्ट मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 में दिया. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के, तो मिनिस्ट्री इसके ऑफिस में रहती है. दूसरे वर्ड में बोला जाए तो लोकसभा कैन रिमूव कर सकते हैं मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. जो भी मोशन है कॉन्फिडेंस कम अप जो न्यू प्रोसीजरल डिवाइस है उसके थ्रू आता है वेफर्ड इन मेजॉरिटी के थ्रू. अब कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट टू प्रूव मेजॉरिटी. मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? फर्स्ट सेशन हर जनरल इलेक्शन का फर्स्ट सेशन जो होता है फिस्कल ईयर का प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स होते हैं प्रेसिडिंग एंड एंश्योरिंग ईयर. नो डे येट नेम. सो मोशन क्या होता है? एडमिट किया जाता है स्पीकर के थ्रू. कोई डेट फिक्स नहीं होती डिस्कशन का. स्पीकर कंसिडर करता है स्टेट ऑफ बिजनेस हाउस एंड कंसल्टेशन एज बाय डायरेक्टली. मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट. जो भी डिबेट करेंगे बिल मोशन एंड रेजोल्यूशन पे कंसिडरेशन मूव किया जाता है मेंबर. एनी टाइम कोई भी मोशन एज बी मेड. और जो डिबेट डायरेक्टली मोशन का होता है ओपिनियन इफ द स्पीकर ऑफ द मोशन अब्यूज. पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? मेंबर क्वेश्चन उठाता है. पॉइंट ऑफ प्रोसीडिंग हाउस डू नॉट फॉलो नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑफ हाउस एंड कॉग्निजेंस किससे? स्पीकर के साथ. यूथ पार्लियामेंट क्या होता है? स्कीम यूथ पार्लियामेंट की स्टार्टेड रिकमेंडेशन फोर्थ ऑल इंडिया वेब कॉन्फ्रेंस के थ्रू. ऑब्जेक्टिव है यंगर जनरेशन को प्रैक्टिस करना प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, इनिबिट कंडक्ट करना स्प्लिट लाना डिसिप्लिन, टोल रेट कल्टिवेटिंग कैरेक्टर माइंड ऑफ यूथ, इनकलकेट करना स्टूडेंट कम्युनिटी बेसिक वैल्यू जो है डेमोक्रेसी है, एक्वायर करना प्रॉपर पर्सनल परस्पेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट क्या दिया गया? दोनों हाउस में होती एवरी बिल को पास करना होता है. बिल इंट्रोड्यूस जो पार्लियामेंट में फोर कैटेगरी ऑर्डनरी बिल जो भी कंसर्न क्या है एनी मैटर ऑफ द फाइनेंशियल सब्जेक्ट, मनी बिल कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल मैटर, टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल बिल जो कि फाइनेंशियल मैटर से डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंसर्न विद द फर्स्ट रीडिंग क्या होती है? ऑर्डनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है अदर हाउस में बाय मिनिस्टर या फिर दूसरे मेंबर से इंट्रोड्यूस करते कि फॉर लीव द हाउस. फिर क्या बोला गया? सेकेंड रीडिंग में क्या करते? बिल रिसीव तो हो गया ओनली जनरल, एक बार डिटेल स्क्रूटनी करेंगे फाइनल शेप के लिए स्टेज फिर जनरल डिस्कशन इस पर करेंगे. इट में टेक कि हाँ कंसिडरेशन ले सकते हैं फिर रेफर करेंगे सिलेक्ट कमेटी को, ज्वाइंट कमेटी को रेफर करेंगे, इलिसिट पब्लिक ओपिनियन. सिलेक्ट कमेटी कुछ कंसिस्ट होते उसमें मेंबर्स होते हैं. ज्वाइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. सिलेक्ट कमेटी क्या होता है? बिल ओरिजिनेट होती. ज्वाइंट कमेटी कंसिस्ट कमेटी स्टेज क्या होता है कि यहाँ पे थॉरली अच्छे से बिल को देखा जाता है डिटेल में. कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडर करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज करेंगे उसको, ईच क्लॉज को डिस्कस करेंगे, वोट किया जाएगा. थर्ड रीडिंग में क्या होता है? डिबेट कन्फाइन हो गया. एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन अंडरलाइन जो भी ऑलरेडी सेकेंड रीडिंग पास बाय द बिल इन द सेकेंड हाउस क्या इन द सेकेंड हाउस बिल को पास कर देते थ्री स्टेजेस में. तो पहले क्या होता है? तो फर्स्ट हाउस में साइन करो फिर मे विद द अमेंडमेंट एंड रिटर्न किया जाएगा कंसिडरेशन के लिए. थर्ड में रिजेक्ट किया जाता है. इट मे रिजेक्ट बिल ऑल टुगेदर और फिर क्या इसमें रिजेक्ट हो सकते हैं. इट मे नॉट ए कोई एक्शन नहीं लो. बिल पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. अब इसे प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा. जब बिल दोनों हाउस से पास हो जाएगा पार्लियामेंट के फिर ज्वाइंट सीटिंग फिर प्रेसिडेंट के पास, चाहे तो वो एसन देंगे या विथहोल्ड करेंगे या रिटर्न कर देंगे बिल. मनी बिल आर्टिकल 110 में 10 में दिया है. 110 में इम्पोजिशन रिमिशन टैक्स रिलेटेड बोरिंग मनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो भी अप्रोप्रिएशन मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का डिक्लेयर करना एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड जो भी रिसिप्ट है मनी अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट ऑफ डेस्टेड कोई भी मैटर है इंसिडेंटल और मैटर स्पेसिफाई कर बिल में. तो इम्पोजिशन ऑफ फाइन पेनरी एक्टिविटीज डिमांड पेमेंट जो भी हो फीस लाइसेंस इम्पोजिशन अबॉलिशन रेमिशन अल्ट्रेशन एनी टैक्स लोकल अथॉरिटी. फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? जो डील करते हैं फिजिकल मैटर से कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते हैं सबको फाइनेंशियल बिल. मनी बिल फाइनेंशियल बिल फाइनेंशियल बिल टू ऐसा. तो फाइनेंशियल बिल कौन से होते हैं? जो फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल नहीं होते. ओनली जो फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स वो होते हैं जिसमें वो मैटर हो आर्टिकल 110 का आर्टिकल 110 का सर्टिफाई किया जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मनी बिल फाइनेंशियल बिल 102. फाइनेंशियल बिल जो वन है बिल जिसमें 110 का कुछ भी नहीं दिया और रिस्पेक्टिव बोथ देम इंट्रोड्यूस लोकसभा राज्यसभा में नहीं करेंगे बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस जब भी रिकमेंडेशन हो प्रेसिडेंट का. फाइनेंशियल बिल टू कौन सा होता है? कंटेन करता है प्रोविजन जिसमें खर्च एक्सपेंडिचर दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर हाँ जो इंक्लूड नहीं हो आर्टिकल 110 में जो भी स्पेशल फीचर दिए जाते हैं उसमें उसकी फाइनेंशियल बिल टू इंट्रोड्यूस किया जाता है अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में. और जो रिकमेंडेशन होते हैं प्रेसिडेंट रिक्वायर नहीं करते इंट्रोडक्शन स्टेज हाउस इन द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज रिजॉल्व करना डेड लॉक। ज्वाइंट सिटिंग टू हाउसेज में क्या होता है, जो भी डेड लॉक होता है टू हाउसेज के बीच में, उसके लिए एक तो बिल या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर इफ़ द बिल है फाइनली डिसएग्री कर दिया जाएगा अमेंडमेंट टू द मेड इन द बिल, या फिर इफ मोर देन सिक्स मंथ का अगर लैप्स कर दिया तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा ज्वाइंट सिटिंग कब, अगर दोज अमेंडमेंट कॉज फाइनल डिसएग्रीमेंट की बात हो, या फिर दोज अमेंडमेंट माइट हैव बिकम अननेसेसरी डिले होता जा रहा है इस वजह से। बजट इन द पार्लियामेंट आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दिया, ये एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल है, बिगिन कब होता है 1 अप्रैल टू एंड 31 मार्च। तो ओवरऑल जो बजट कंटेनिंग इसमें एस्टिमेट रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट का वे एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोजन, जो भी फाइनेंशियल या रीजंस एंड डेफिशिट का, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, टैक्सेशन, प्रोस्पेक्ट रेवेन्यू 2017 था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, टू बजट थे रेलवे एंड जनरल बजट, ठीक है टू बजट थे फॉर्मा, जो फिर क्या था एस्टीमेट रेवेन्यू वगैरह मिनिस्ट्री रेलवे का एस्टीमेट करना रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। रेलवे बजट सेपरेट कर दिया जनरल बजट से 1924 जब रिकमेंड किया एक्वाड कमेटी रिपोर्ट ने, इंट्रोड्यूस करना फ्लेक्सिबिलिटी लाना रेलवे फाइनेंस में, फैसिलिटेट करना बिजनेस अप्रोच रेलवे पॉलिसी, फिर क्या बोला है स्ट्रक्चर जो कि सिक्योर करना स्टेबिलिटी, जनरल रेवेन्यू को एनेबल करना रेलवे को कि प्रॉफिट फॉर द ओन खुद के डेवलपमेंट। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया रेलवे बजट इनटू जनरल बजट एंड देयर इज नाउ वन बजट, एक बजट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी को यूनियन बजट बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या दिया, प्रेसिडेंट शैल रिस्पेक्ट हर फाइनेंशियल ईयर में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने वो रखेंगे एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कोई भी नो डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं रखे, मेड एक्सेप्ट रिकमेंडेशन, जो नो मनी शैल बी विड्रॉन, कोई भी मनी विड्रॉ नहीं करे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, नो मनी बिल इम्पोज नहीं किया जाएगा, नो टैक्स विल बी एक्सेप्टेड, पार्लियामेंट रिड्यूस करेगा अबॉलिश या टैक्स बट इंक्रीज कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा रिलेटिव रोल पोजिशन जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और मनी बिल या जो भी डील करता है टैक्सेशन नॉट इंटू इसको राज्यसभा में नहीं करेंगे, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं कि वो वोट करे डिमांड फॉर ग्रांट, राज्यसभा शुड रिटर्न करना होगा मनी बिल टू द लोकसभा 14 days, कंसोलिडेट फंड ऑफ एंड एक्सपेंडिचर मेड टू कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो भी बजट है शैल डिस्टिंग्विश करना होगा रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर, एंड जो एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट सबमिटेड डिस्कस टू द पार्लियामेंट। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर टू टाइप के होते हैं, चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड पे मेन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, एमोल्यूमेंट अलाउंसेस प्रेसिडेंट एक्सपेंडिचर से ऑफिस सैलरी अलाउंस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा, सैलरी अलाउंस जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पेंशन जज ऑफ हाई कोर्ट सैलरी अलाउंस कंट्रोल ऑडिटर जनरल सैलरी अलाउंस UPSC एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ऑफ कैग PSC ये सबका दिया, डेप्ट इन चार्ज ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल रेट इंटरेस्ट सिंकिंग फंड एनी सम जो भी सेटिस्फाई करे जजमेंट डिग्री अवार्ड एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट टू बी चार्ज। फिर इनैक्टमेंट दिया गया तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, तो बजट कैसे लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, वर्किंग डे ऑफ फेब 2017 में प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एडवांस किया 1 फेब में, फिर बजट रिप्रेजेंट प्रेजेंट करेंगे 2 पार्ट्स में, सच प्रेजेंटेशन ईच पार्ट में बजट को डिस्कस करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बजट को स्पीच एक बजट स्पीच देंगे, फिर वही बजट स्पीच जनरल फाइनेंशियल डिमांड फॉर ग्रांट अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंशियल बिल स्टेटमेंट मैंडेटेड FRBM मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम ये दिया हुआ है, फिर मीडियम एक्सपेंडिचर ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर जनरल डिस्कशन होगा उसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए डिपार्टमेंट कमेटी उनको देखेगी अच्छे से क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग होगी लोकसभा की, फिर ईच डिमांड में पॉलिसी कट मोशन होगा जो भी डिसअप्रूवल करना पॉलिसी का इकोनॉमिक कट मतलब जो भी प्रपोज करेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ डिमांड रिड्यूस कर देना उस अमाउंट को कि कम कर सकते, टोकन कट में क्या दिया गया है कि विद इन द स्पीयर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है इन द स्टेट अमाउंट ऑफ रिड्यूस कट मोशन एडमिसिबल सेटिस्फाई करना चाहिए, एक डिमांड को होना चाहिए एक्सप्रेस करना चाहिए, नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कन्फाइन टू वन स्पेसिफिक मैटर कोई भी सजेशन नहीं होना चाहिए, रिपील करने के लिए एग्जिस्टिंग लॉ शुड नॉट रिफर टू मैटर दैट प्राइमरली जो भी कंसर्न यूनियन गवर्नमेंट वो रिलेट नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट एडजुडिकेशन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं उठना चाहिए, नॉट रिलेटेड रिवाइवल मैटर चैलेंज नहीं करना, सब्सटेंसिव मोशन एंटीसिपेट मैटर नहीं होना चाहिए, रेज डिस्कशन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, नो मनी शैल विद्रॉ नहीं करना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाय लॉ एंड कंसोलिडेटेड फंड मनी रिक्वायर्ड, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कैन बी मूव्स बाय प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 विद इन 70
5 days जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ग्रांट दिया जाता है ऑथोराइज बाय पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन एक्ट पर्टिकुलर सर्विस करंट फाइनेंशियल के लिए। एडिशनल ग्रांट दी जाती है करंट फाइनेंशियल एडिशनल खर्चे जो हो जाते हैं उसके लिए एक्सेस ग्रांट दी जाती है। जो भी अमाउंट ग्रांटेड फॉर द सर्विस जो भी बजट के लिए उसके लिए वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर फाइनेंशियल वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है ग्रांट करना। जो भी मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड है जो भी अनएक्सपेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है मैग्नीट्यूड इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ सर्विस एंड इट इज ब्लैंक चेक होता है एग्जीक्यूटिव बाय लोकसभा। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है जो भी स्पेशल पर्पज के लिए टोकन ग्रांट मतलब फंड्स मीटेड बाय द प्रपोज एक्सपेंडिचर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते लॉ जो पेड किया जाए किस एक्ट के कंटिजेंसी फंड ऑफ 1950 डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट एंड फंड इज टू बी लेस सेक्रेटरी इन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट लाइक द पब्लिक अकाउंट। मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जुडिशियल पावर एंड फंक्शन इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन। राज्यसभा की पोजीशन क्या होती है जब राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा अनइक्वल टू लोकसभा इक्वल स्टेटेड लोकसभा से कैसे होता है जब भी ऑर्डिनरी बिल पास होता है या फिर पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात हो फाइनेंशियल बिल की बात हो इलेक्शन इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की बात हो रिमूवल की बात हो वाइस प्रेसिडेंट की या रिकमेंडेशन करना हो प्रेसिडेंट को अप्रूवल करना हो जब ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स कंसीडरेशन जो रिपोर्ट्स वगैरह यूपीएससी फाइनेंशियल कमीशन क्या है कंट्रोल ऑडिटर के एनलार्जमेंट करना ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी मनी बिल जो भी इंट्रोड्यूस कर लोकसभा में लोकसभा के अनदर एक्सेप्ट कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है। जो भी फाइनेंशियल बिल नॉ सोली जो मैटर नहीं होता आर्टिकल 110 मनी बिल वाला नहीं है जो फाइनेंशियल फाइनल पावर जो दी गई है मनी बिल जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा में वेस्टेड नहीं है लोकसभा ग्रेटर नंबर ऑफ विंस बैटल इन ज्वाइंट सिटिंग अब क्या बोले रिजोल्यूशन डिसकंटिन्यूस नेशनल इमरजेंसी। अब स्पेशल पावर राज्यसभा के पास कहाँ है जब ऑथोराइज कर सकता है पार्लियामेंट को कि ठीक है लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में आर्टिकल 249 ऑथराइज करना पार्लियामेंट को क्रिएट कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विस कॉमन बोर्ड सेंटर स्टेट के लिए आर्टिकल 312 अलोन इनिशिएट कर सकता है मूव रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस राज्यसभा किसमें पर लोकसभा में आर्टिकल 67 प्रोक्लेमेशन इशू पर जो प्रेसिडेंट इम्पोज करेगा नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल ईयर प्रोक्लेमेशन दिया गया आर्टिकल 352 356 360। अब कहीं कहीं पे राज्यसभा के पास लेस पावर रहती कंपेयर टू लोकसभा तो जब भी चेक डिफेक्टिव किया लेस इल कंसीडर लोकसभा के बाद तो अब फैसिलिटेट करना रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल 312% ऑफ राज्यसभा मेंटेन करना फेडरल इक्विलिब्रियम एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।